अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू सुल्तानी स्टूडियो 007। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज आपके लिए जो दीवा लाइव एप्लीकेशन लेके आऊँ, एप्लीकेशन की मेजर अपडेट आ चुकी है, ठीक है। इस अपडेट से आप लोगों को सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, जो जो इस एप्लीकेशन पर एजेंसी ले लेगा, ठीक है, और जो होस्टिंग कर लेगा। बाज़ लोगों का मसला था कि सैलरी नहीं आ रही, तो सैलरी का इशू जो है वो भी फिक्स हो चुका है यहाँ पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। तो चलिए एप्लीकेशन पे चलते हैं। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है। आपने अगर तो यहाँ पे एजेंसी क्रिएट करनी है अपनी, ठीक है। अगर आप एजेंसी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इसकी आईडी जो है वो फ़ोन नंबर के साथ बनानी होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे बनाई हुई है आईडी, आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ आईडी बनानी होगी। अगर आपने यहाँ पे होस्टिंग लेनी है देन आपको कोई मसला नहीं है, आप फ़ोन नंबर के साथ बना लें या फिर आप जो है गूगल के साथ बना लें। अगर तो आपने एजेंसी लेनी है तो आपने फ़ोन नंबर के साथ ही आईडी अपनी क्रिएट करनी है। तो इसमें अभी के लिए जो मेजर अपडेट आ चुकी है, इसमें पहले पार्टी रूम का ऑप्शन नहीं था और वहाँ से आप अर्निंग नहीं कर सकते थे। यहाँ से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों प्राइवेट कॉल्स से भी अर्निंग कर सकते हैं। इसका ये भी यहाँ पे अच्छा सीन जो है इन्होंने कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पार्टी रूम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने लाइव पे क्लिक किया तो यहाँ पे लाइव, ये लाइव है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पार्टी रूम नहीं थे, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पार्टी रूम देखने को मिल जाते हैं। अगर तो आप लोग यहाँ पे पार्टी रूम अपना ऑन करना चाहते हैं, बॉयज़ अगर करना चाहते हैं, तो बॉयज़ को पार्टी रूम ऑन करने के लिए उनको लेवल 5 करना पड़ता है, ठीक है। ये देखिए, यू आर चार्म लेवल नीड टू रीच लेवल 5 फॉर लाइव। इसका मतलब ये है कि चार्म लेवल क्या होता है। चार्म लेवल वो होता है जो आपको गिफ्टिंग रिसीव होती है। आपको ऐसा करना है कि किसी भी होस्ट लड़की या लड़का कोई भी लाइव बैठा है तो आप पार्टी रूम ऑन करके लाइव बैठा है, आप वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाकर उसके रूम में बैठें, एक आईडी बिठाएं और दूसरी आईडी से अपनी आईडी पर सेंडिंग कर लें, या फिर आप अपनी किसी भी होस्ट फीमेल होस्ट की आईडी बनवाएं, बनवा के एजेंसी में ऐड करें और ऐड करने के बाद आपने उनको उनके रूम में बैठ के आपने अपनी आईडी पर सेंडिंग करके आपने अपनी आईडी का जो लेवल वो 5 कर लेना है, चार्म लेवल, ठीक है। तो देन इस पे आप जो है वो अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपने जस्ट यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपने मी पे क्लिक करना है, ठीक है। मी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल जो है वो एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप अपना जो है फ़ोन नंबर वगैरह टाइप कर सकते हैं, ईमेल, और यहाँ पे पिक्स लगा सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी आप यहाँ पे लगाना चाहें। तो एजेंसी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे भी आप उससे एजेंसी अपनी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो आपको इसके साथ मिलता है कॉइन सेलर, ठीक है, कॉइन सेलर भी आपको इसके साथ मिल जाता है। उसके बाद विड्रॉल लिस्ट आपको देखने को मिलती है, एजेंसी का मैनेजमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको होस्ट मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको एजेंट जो आपके अंडर में एजेंट्स होंगे वो आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से भी वो ज्वाइन करना चाहें। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी। इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे होस्टों पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके होस्ट आपको दिखाई दिएगे। अगर आप यहाँ पे अपने होस्टों को ऐड करना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना है, आपने अपने होस्ट की आईडी लेनी है। आईडी लेने के बाद जस्ट मैं जैसे यहाँ पे कुछ जो है ऐसा करता हूँ, मैं अपनी आईडी ही यहाँ पे जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं होस्टों पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और प्लस पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं आईडी पुट करता हूँ, आईडी पुट करने के बाद सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। तो मैं पहले ही एजेंट हूँ, ठीक है, यानी कि यहाँ पे ऑनर हूँ। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे आपके होस्ट को मैसेज चला जाएगा, एक जी हो गया। और दूसरा ये है कि आप लोग यहाँ से इनवाइट करके भी अपने होस्टों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आपने इनवाइट करना है, इनवाइट करने के बाद आपके जो होस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो आप उनसे आईडी लें, आईडी लेके उनको यहाँ पे सर्च करके आईडी लगा लें, होस्टों को ऐड कर लें।
देन उसके बाद यहाँ पे आपको एजेंट्स ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। आप अपने नीचे जो है एजेंसीज को ऐड कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है और ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये वाला लिंक आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिंक कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पे क्रोम में आ जाते हैं, जिस भी होस्ट को आप देते हैं, तो उसका यहाँ पे क्रोम में ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ करके, ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर के साथ आईडी बनानी है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे आप लोग अपनी वही आईडी का नंबर यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सेंड कोड पे क्लिक करेंगे। तो सेंड कोड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपको आपके ऐप के इनबॉक्स में आपको यहाँ पे इसका जो है वो एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम की तरफ से आपने वो वाला कोड जो है वो उठाना है। तो वहाँ पे वो कोड उठाने के बाद आपने कहाँ पे लगाना है, आपने ला के नीचे यहाँ पे आपने कर देना है क्लिक, ठीक है। यहाँ पे वो वाला कोड लगा के आपने जस्ट सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपकी एजेंसी जो वो क्रिएट हो जाएगी। देन आपको उसके बाद आपके सामने ऐसा आपको आपकी एजेंसी का डैशबोर्ड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुश्किल नहीं है, बहुत ही अच्छा वर्क है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बेसिक सैलरी की बात करें, तो बेसिक सैलरी जो होती है वो यहाँ पे $20 से $40 तक आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ठीक है। टास्क रिवार्ड पे क्लिक करते हैं। टास्क रिवार्ड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे लाइव पे आ जाते हैं, तो लाइव पे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक लेवल जो है लेवल 0 से लेवल 1 इंक्रीज करने के लिए आपको 150,000 कॉइन्स जो हैं वो यहाँ पे अपग्रेड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये वाले जो कॉइन्स है ये आपको अपग्रेड करने पड़ते हैं और करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं कि 3,000 जो है वो ऑर्ली रिवार्ड नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। करंट लेवल 0 पे आपको मिलता है ऑर्ली रिवार्ड 1500। तो इसका जो 2 घंटे करने पे मिलते हैं यहाँ पे 3,000, ठीक है। तो आपको वीक में यहाँ पे 18 घंटे यहाँ पे डेली जो है आपको 3 घंटे यहाँ पे करना होता है, 18 घंटे एक वीक में करने होते हैं आपको कंप्लीट बेसिक सैलरी के लिए, ठीक हो गया। तो इसके बाद अगर देन बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 घंटा लाइव जाएं, तो 1 घंटा लाइव जाने के लिए आपको यहाँ पे 15,000 प्लस जो है वो डायमंड्स मिल जाते हैं, और 1,00,000 डायमंड जो होता है वो यहाँ पे $10 के इक्वल होता है। और आप लोग यहाँ पे ये चीज़ें आप लोग यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है 10,000 डायमंड्स जो है वो 1 US डॉलर के जो बराबर हैं। और आप अगर बात करें इसके विदड्रॉ की, ठीक है, तो यहाँ पे आपने विदड्रॉ पे क्लिक करना है, और आपके विदड्रॉ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। तो मैं बाइनांस यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसलिए बाइनांस को ऐड किया हुआ है। तो आपको यहाँ पे जज कैश इजी पैसा भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे इजी पैसा, यहाँ पे जज कैश है, ठीक है, बाइनांस है, USDT है, ईपे है, ठीक है। आप लोग जिस ऐप से भी मर्जी यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद देन अगर आपको कुछ भी और जानना हो, कुछ चीज़ों की आपको अगर समझ नहीं आई हो, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं आप लोगों को वो भी समझा दूंगा। आप लोग जस्ट यहाँ पे नीचे टाइप करें, मुझे कमेंट कर दें, आपको उस पर भी आपको मिल जाएंगी, और भी आपको देखने को चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी आपको समझ ना आई हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।